आगे तो इस वीडियो में बात करेंगे नोबिता के 10 ऐसे दोस्त जो नोबिता के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लेम के बारे में। क्लेम एक फीमेल कैरेक्टर है जो डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड एडवेंचर ऑफ कोया कोया प्लेनेट में देखी गई थी। असल में क्लेम रोपुरो की छोटी बहन है और ये कॉर मूवी डोरेमोन की रीमेक मूवी द न्यू रिकॉर्ड ऑफ नोबिता एज अ स्पेस ब्लेजर में देखी गई थी। 2005 के एनिमे एपिसोड में डोरेमोन एंड द स्टार फ्लोटिंग वेल एपिसोड में देखी गई थी और इनकी दोस्ती काफी ज्यादा गहरी होती गई और सबसे पहले 1981 के मूवी में इसको अच्छे से देखा गया था। इसके बाद स्नो स्प्रिट, असल में इसको नोबिता ने ही बनाया था और इन दोनों के बीच काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। असल में देखा गया था जब नोबिता का फीवर काफी ज्यादा था और स्नो स्प्रिट बर्फ की बनी हुई थी, अगर वो नोबिता के पास जाती तो पिघल सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्नो स्प्रिट नोबिता का अच्छे से ख्याल रखती है। इसके बाद आती है लिलियान, जो कि डोरेमोन और नोबिता जब स्पेस में किसी दूसरे वर्ल्ड में जाते हैं तब उन्हें लिलियान देखने को मिलती है एक गुफा में और लिलियान डोरेमोन और नोबिता को अपना पूरा शहर घुमाती है, जिसमें कि लिलियान और डोरेमोन और नोबिता के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद आती है लूली। लूली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फीमेल कैरेक्टर है क्योंकि अगर लूली नहीं होती तो शायद नोबिता और डोरेमोन नहीं होते। असल में लूली एक रॉबोट गर्ल है और इसको एक और एपिसोड में दिखाया गया था, अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट नोबिता लव्ड। असल में लूली को नोबिता को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन लूली और नोबिता में अच्छी दोस्ती हो जाती है और उसके बाद लूली मारने के बजाय नोबिता का ख्याल रखने लगती है। एक बार नोबिता डोरेमोन के पास बॉम्ब गिरने वाला था, लेकिन लूली अपना जान खतरा में डालकर नोबिता और डोरेमोन को बचा लेती है और इसलिए साबित होता है कि लूली और नोबिता के बीच अच्छी दोस्ती थी। इसके बाद बात करते हैं रिरूरू के बारे में। रिरूरू को डोरेमोन द मूवी नोबिता एंड द स्टील ट्रॉप्स में दिखाया गया था। इसके पहले 1986 में डोरेमोन नोबिता एंड द स्टील ट्रॉप्स में भी इसको दिखाया गया था। इसके बाद जो रीमेक मूवी आई थी उसमें रिरूरू को फिर से दिखाया गया था। इसके बाद आती है रोबोको। असल में रोबोको एक गैजेट है जिस पर डोरेमोन ने 22nd सेंचुरी चलाया था। रोबोको को सबसे पहले 1973 में दिखाया गया था, जिसके बालों में येलो बो था और उसकी ड्रेस ब्लू थी। इसके बाद 1979 में इसका अपीयरेंस चेंज हो गया और ये पिंक ड्रेस और व्हाइट जूते में आने लगी। फिर 2005 में ये येलो ड्रेस और लाल जूते में आने लगी। इसका जो रेड रिबन है ये इसका स्विच है ऑन और ऑफ करने का, क्योंकि एक गैजेट है बिल्कुल डोरेमोन की तरह। तो इसके बाद बात करते हैं सिज़्ज़बा के बारे में, जिसका पूरा नाम सिज़्ज़बा मिनामोटो है। डोरेमोन के आने के बाद नोबिता की शादी सिज़्ज़बा से ही होने वाली है और सिज़्ज़बा मेनली फीमेल कैरेक्टर है पूरे डोरेमोन एनिमे सीरीज़ में और नोबिता सिज़्ज़बा डोरेमोन के बीच अच्छी दोस्ती भी है। इसके बाद बात करते हैं जैको के बारे में, जिसका पूरा नाम जैको गोंटा है, जिसको लिटिल जी भी कहा जाता है। असल में जैको जियान की छोटी बहन है और अगर डोरेमोन नहीं आता तो नोबिता की वेडिंग जैको से ही होती और इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती। इसके बाद जो मेन कैरेक्टर है नॉन चैन, असल में नॉन चैन को नॉन को भी कहते हैं और एक एपिसोड में देखी गई थी द गर्ल विथ रेड शूज। असल में नोबिता सपने में देखता है एक पुरानी दोस्त के बारे में जो कि नॉन चैन होती है और नॉन चैन नोबिता की सबसे पहली बचपन की दोस्त भी है और नोबिता को जब ये बात याद आता है तब वो टाइम मशीन से उस टाइम में जाता है नॉन चैन से मिलने के लिए और उसको अपनी याद में वो अपना एक जूता भी देती है। जो सबसे लास्ट कैरेक्टर है वो फॉरेस्ट स्पिरिट है, जिसको कि डोरेमोन के गैजेट से नोबिता दोस्त बना लेता है, जिसमें कि उसका स्पिरिट जो होता है फॉरेस्ट स्पिरिट, जिसका बेस्ट फ्रेंड नोबिता बन जाता है और फिर ये दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है।